ऊंचा है तेरा गुम्बद, ऊंची है तेरी बात। ऊंचा है तेरा गुम्बद, ऊंची है तेरी बात। ऊंचा है तेरा गुम्बद, ऊंची है मेरी बात। मौला अली के सदके में कर दो करम कुमारम, प्यारा लगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजरत सैयद मस्तान साहब बाबा रहमतुल्ला का उर्स बड़े ही शान शौकत के साथ मनाया जाएगा। उर्स की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाबा के गुम्मत पर कलश शरीफ पेश किया गया, साथ ही चांद सितारे का परचम भी चढ़ाया गया। 5, 6 और 7 फरवरी को उर्स आयोजित होगा, जिसमें 5 तारीख को बाद नमाज कुरान खानी संदल और चादर पोसी का कार्यक्रम होगा। वहीं 6 फरवरी को कब्बाली का अदबी मुकाबला होगा, जिसमें गुलाम बारिश देवा शरीफ उत्तर प्रदेश, आमिल आरिफ मेरठ उत्तर प्रदेश के कब्बाल शामिल होंगे। वहीं 7 तारीख को भी कब्बाली का अदबी मुकाबला चलता रहेगा। 8 तारीख को बड़े कुल शरीफ की फातिहा और महफिले खास आयोजित की जाएगी, जो पूरी साल इसके लिए मेहनत की जाती है। और पूरी साल मेहनत करने के बाद ये हम लोगों को पल मिलते हैं, खूबसूरत पल जो 4 दिन के होते हैं, जो 5, 6 और 7 तारीख से इंशाअल्लाह ताला मनाया जाएगा। वो 8 को सुबह 10:30 बजे इसका इख्तिताम होगा, सलाम होगी दरगाह शरीफ के सामने। 5 तारीख को सबसे पहले यहाँ पर बाद फजर कुरान खानी का अहतमाम होगा, इसके बाद ज़ोहर के चादर शरीफ जहाँ से सूफी साहब के मैदान से उठती है वो वहाँ से चादर शरीफ उठाई जाएगी। इसके बाद जो हुजूर मस्तान सर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से गेट यहाँ पर बनाया गया है उसके ऊपर परचम कसाई होगी, फिर गुस्ल होगा, संदल होगा और चादरपुर शहर में गश्त करने के लिए जाएगी बाया समनीगर, सुकलाना चौक बाजार, सिटी कोतवाली, मेलन दरवाज़ा, नए मोहल्ले होते, फिर रात में इशा के बाद इंशाअल्लाह ताला बाबा हुजूर को चादर पेश की जाएगी। इसी तरह सुबह 6 तारीख में फिर से कुरान खानी होगी और 6 तारीख की शाम में हिंदुस्तान के जाने माने मशहूर कव्वाल जनाब गुलाम बारिश कव्वाल और आमिल आरिफ कव्वाल जो मेरठ से तशरीफ़ लाएंगे, इन दोनों कव्वाल पार्टियों के बीच अजीमोशान अदबी महफिल समा का अहतमाम होगा। 7 तारीख में भी दोनों कव्वाल अपना प्रोग्राम देंगे और 8 तारीख को आस्था पाक की जो गद्दी लगती है, और 7 तारीख में ज़ोहर के बाद यहाँ पर पूरे शहर का लंगर का अहतमाम होता है, फातह खानी का अहतमाम होगा ज़ोहर के बाद, और इसके बाद 7 तारीख को फिर शाम को भी महफिल समाइशा के बाद इंशाल्लाह शुरू की जाएगी और सुबह 8 बजे बाद फजर के आस्था पाक की जो गद्दी है जो एक क्या बोलते जैसे कहा या कदीमी प्रोग्राम जो आज आपके बुंदेलखंड के आसपास भी ऐसा प्रोग्राम नहीं मनाया जाएगा, जो सुबह कुल शरीफ की महफिल में गद्दी लगाकर बाबा हुजूर के सामने महफिल समा का अहतमाम होगा और 10 बजे इंशाअल्लाह ताला बड़े कुल शरीफ की महफिल होगी। हम इस आपके माध्यम से आपके मीडिया के माध्यम से तमाम शहर वालों को और जहाँ जहाँ तक इस आवाज़ को आप पहुँचा सकें वहाँ तक पहुँचाएँ कि इस उर्स मुबारक में आप बहुत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ जिस नीयत के साथ इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ तशरीफ़ लाएँगे आपकी तमाम मनोकामनाएँ पूरी होंगी। जो भी आपके दिलों में ये पल 4 दिन ऐसे होते हैं कि जो बुज़ुर्गों की अकीदत और मोहब्बत को लूटने वाले होते हैं, हम आपसे बुज़ुर्गान दिन राजी हो जाए तो हमारे लिए अल्लाह ताला भी राजी। आज से तैयारी प्रारंभ हो गई है। हाँ, आज से आपने देखा अभी कलश शरीफ पेश किया गया जुमा के बाद और आज से तैयारियाँ चालू होंगी। कल हमारा त्यौहार है, इसके बाद फिर इंशाल्लाह 5 तारीख को बाद फजर के प्रोग्राम चालू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।